वेलकम बैक जी। बात कर लेते हैं अब थोड़ी सी स्नोकर पे। अगर स्नोकर की बात कर ली जाए तो पाकिस्तान के एहसन रमजान जो है उन्होंने IBSF इंटरनेशनल बिलियर्ड एंड स्नोकर फेडरेशन का जो वर्ल्ड चैंपियनशिप थी वो जीत ली। 16 साल पाकिस्तानी है और इस टूर्नामेंट की खास बात यह रही, दोहा में मुनक्किद होने वाले इस टूर्नामेंट में 4 पाकिस्तानी थे, 3 पाकिस्तानी जिनमें शामिल थे जो सेमीफाइनल में शामिल थे। सेमीफाइनल की अगर बात कर ली जाए तो पहला सेमीफाइनल जो था पाकिस्तान का वो मोहम्मद आसिफ थे और मोहम्मद आसिफ और एहसन रमजान के दरमियान खेला गया। दोनों ही पाकिस्तानी थे पहले सेमीफाइनल में, जिसमें पाकिस्तान ने जो सीनियर प्लेयर है पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ उनको हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। और आमिर सरखोश थे जो ईरानियन स्नोकर के जो चैंपियन भी रहे हैं वो उनके साथ उन्होंने मुकाबला किया। और सेमीफाइनल में जो है वो आमिर ने सज्जाद, पाकिस्तानी सज्जाद थे, उनको शिकस्त दी और उन्होंने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। जावेद करीम हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान बिलियर्ड एंड स्नोकर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ये जो कारनामा पाकिस्तानी स्नोकर ने स्नोकर प्लेयर ने सर अंजाम दिया है, क्या कहते हैं 16 साल और अगर बात कर ली जाए तो बहुत अंडररेटेड है जो स्नोकर है, लेकिन इतना बड़ा कारनामा फिर सेमीफाइनल में 4 में से 3 पाकिस्तानी प्लेयर्स का होना। सबसे पहले तो सबको सलाम अलैकुम और आपका बहुत शुक्रिया जी। और सबसे पहले पूरी कौम को बहुत मुबारक हो माशाल्लाह, ये पूरे पाकिस्तान के लिए बड़ी एजाज की बात है जी बिल्कुल, और हमारे लिए पाकिस्तान बिलियर्ड्स के लिए तो बहुत ही बड़ी बात है। तो ये वंडर बॉय था जो लास्ट नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप हुई थी कराची में, उसमें ये सज्जाद से फाइनल में हारे थे जी। उसी बिना पे ये रैंकिंग में नंबर 2 आए और हमने इनको भेजा था जी। तो माशाल्लाह इन्होंने कमाल कर दिया, पहले जूनियर्स के अंदर इन्होंने 147 की ब्रेक मारी जो शायद हिस्ट्री के अंदर थी, तीसरी मरतबा लगी है और कतर के अकेडमी में फर्स्ट टाइम लगी है जी। और उसके बाद उन्होंने माशाल्लाह आसिफ को भी हराया और फिर फाइनल में आमिर सरखोश को हराया जी। तो सर अगर बात की जाए ये बहुत ही अंडररेटेड है और ऐसा स्पोर्ट्स है जिसको इतना फंड भी नहीं किया जाता, लेकिन अगर परफॉर्मेंस देखी जाए पाकिस्तान बिलियर्ड एंड स्नोकर एसोसिएशन की तो बहुत अच्छी है, रिमार्केबल है। आसिफ भी रिसेंट में 2 टाइटल जीते हैं और इसके अलावा अगर देखा जाए तो इन्होंने भी आज ये कारनामा सर अंजाम दे दिया। मैं 16 साल के हैं तो लेकिन बहुत अंडररेटेड है, तो क्या पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो है वो फंड करता है? फंड ही तो नहीं कर रहे ना, यही तो हम इतने जो सालों से जो कर रहे हैं पिछले 5 साल से जी। कि जो फंड्स मिलने चाहिए ना, प्लेयर को उनका रिवॉर्ड मिलता है ना एसोसिएशन को जी। हम तो लगे हुए हैं फंड पीछे, कोशिश कर रहे हैं जी, तो अल्लाह हमारी मदद कर दे। बाकी हमने प्राइम मिनिस्टर साहब से भी बेस्ट रिक्वेस्ट की है, हमने फहमीदा मिर्जा साहब जो स्पोर्ट्स के मिनिस्टर है, स्पोर्ट्स बोर्ड वाले हैं, जाके मीटिंग्स भी किए हैं, लेटर्स भी लिखते हैं, लेकिन सर अभी तक तो नहीं। आप शायद इस मरतबा देखे ना, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि हमारे 3 प्लेयर गए थे और टॉप 4 में ये तीनों प्लेयर ने क्वालिफाई कर लिया जी बिल्कुल। तो गोल्ड भी हमारे पास आया और दोनों को जो थर्ड पोजीशन पे दोनों ज्वाइंट है वो भी हमारे जी बिल्कुल। इसके बाद तो कोई अल्लाह करे तो अच्छी बेहतरी हो जाए इंशाल्लाह, आपको दुआ को है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में वक्त देने का। जावेद करीम साहब हमारे साथ मौजूद थे, सदर पाकिस्तान बिलियर्ड एंड स्नोकर एसोसिएशन। और पाकिस्तान स्नोकर एसोसिएशन जिस तरह से परफॉर्म कर रही है, जिस तरह से प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं, दोहा में जारी इंटरनेशनल बिलियर्ड एंड स्नोकर फेडरेशन का जो मुकाबला था वर्ल्ड चैंपियनशिप थी उसमें जाना पाकिस्तानी 3 प्लेयर्स का और तीनों का टॉप 4 में आना, फिर उसके बाद एक 16 साल पाकिस्तानी का जीत जाना, ये यकीनन बहुत बड़ा कारनामा है। और इसमें पाकिस्तान का जो है वो पाकिस्तान की तारीख में इतने बड़े मार्जिन से जीतना तो ये एक बड़ी चीज है। और मोहम्मद आसिफ के बाद इन्होंने जो है एहसन रमजान 16 साल लाहौर के स्नोकर प्लेयर हैं जिन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया है, तो उनके लिए बहुत सारी दुआएं। और पाकिस्तान जो स्पोर्ट्स बोर्ड है उससे भी हमारी रिक्वेस्ट है और जो इंटर प्रोविंशियल कमेटी है फॉर स्पोर्ट्स, उनकी जो प्रेसिडेंट है फहमीदा मिर्जा साहिबा चेयरपर्सन भी, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से भी कि वो फंड करें स्नोकर को और स्नोकर की बेहतरी के लिए इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो इकदाम किए जा सके। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।